2028 में कितने अतिरिक्त दिन हुए? दो। 2029 में कितने विषम दिन? एक। 2030 में कितने विषम दिन? एक। 2031 में कितने विषम दिन? एक। 2032 में कितने विषम दिन? दो। देखिए कितने अतिरिक्त दिन हो गए, दो दो चार और तीन सात। वीक कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो इस सोमवार के ठीक सात दिन बाद वापस सोमवार आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यहां अगर सोमवार था तो इसके ठीक सात दिन बाद यहां सोमवार आया, लेकिन यहां लीप वर्ष होने की वजह से 28 फरवरी के बाद यहां 29 फरवरी होगा और यहां 28 फरवरी के बाद कौन होगा? फर्स्ट मार्च रहेगा। तो पूरा कैलेंडर सेम नहीं हो सकता, तो फिर से वेट करना पड़ा। कितने विषम दिन? दो। और आगे चलते चलते कितने अतिरिक्त दिन हो गए? सात। सात दिन फिनिश हो गए, कंप्लीट हो गए, तो ठीक सात दिन बाद वापस से वार रिपीट होगा कि नहीं होगा? होगा। और वो किस में होगा? 2033 में। कौन से में हो जाएगा? 2033 में। अब देखो 2022 कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष। 2033 भी कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। इसका मतलब 2022 साधारण, ये भी साधारण, तो एक साधारण वर्ष में 28 फरवरी के बाद 1 मार्च, दोनों में वही आएगा। इसका मतलब पूरा कैलेंडर सेम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। तो 2022 के समान कैलेंडर कौन से वर्ष में आ जाएगा? 2033 में आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि ठीक कितने साल बाद आ जाएगा? ठीक 11 साल बाद आ जाएगा। ठीक कितने साल बाद आ जाएगा? 11 साल बाद आ जाएगा। यही चीज अपन ने देखी थी कि जब 2021 के समान की बात करें तो 2021 के समान कैलेंडर कब आ गया था? 6 साल बाद आ गया था। कितने साल बाद आ गया था? 6 साल बाद। 2022 के समान कैलेंडर कितने साल बाद आ गया? 11 साल बाद। इसी प्रकार 2023 के समान कैलेंडर अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 2023 में कितने विषम दिन? एक। 2024 में कितने विषम दिन? दो। 2025 में कितने विषम दिन? एक। 26 में? एक। 27 में? एक। और 28 में? देखो कितने हो गए, दो दो चार दो छह दो आठ दिन हो गए। इसका मतलब एक वीक से ज्यादा दिन, एक दिन ऊपर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कैलेंडर रिपीट नहीं होगा, एक दिन आगे चले गए। चलिए तो 2029 में कितने विषम दिन? एक। 2030 में कितने विषम दिन? एक। 2031 में कितने विषम दिन? एक। 2032 में कितने विषम दिन? दो। तो कितने हो गए? आठ दो दस दो बारह और एक तेरह। तो 2033 में कितना विषम दिन? एक। तो यहाँ कितने दिन कंप्लीट हो गए? 14 दिन। इसका मतलब कितने वीक हो गए? दो वीक। दो वीक के बाद वापस से वही बार आ जाता है कि नहीं आ जाता है? आ जाता है। तो दो वीक के बाद वापस से 2034। 2034 इसका मतलब 2023 कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है? साधारण। 2034 कौन सा वर्ष है? साधारण। एक साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के समान होता है कि नहीं होता है? होता है। तो देखिए 2033 वाला कैलेंडर, सॉरी 2023 वाला कैलेंडर कब आएगा? 2034 में। कितने साल बाद आएगा? ठीक 11 साल बाद आएगा। कितने साल बाद आ जाएगा? ठीक 11 साल बाद आ जाएगा। ठीक है। 2022 वाला कैलेंडर भी कब आ जाएगा? ठीक 11 साल बाद आ जाएगा। 2021 वाला कैलेंडर कब आ जाएगा? ठीक 6 साल बाद आ जाएगा। कितने साल बाद आ जाएगा? ठीक 6 साल बाद आ जाएगा। तो देखिए आगे अब बात करें अगर आगे 2024 के समान की, कि 2024 वाला कैलेंडर कब सेम होगा, तो 2024 में कितने विषम दिन? दो। 2025 में कितने विषम दिन? एक। 26 में? एक। 27 में? एक। 28 में? दो। कितने हो गए? तीन और चार सात। कंप्लीट हो गए ना सात। एक वीक के बाद वापस वहां रिपीट होता है, लेकिन 2029 कौन सा वर्ष है? साधारण। ये कौन सा है? लीप वर्ष है। तो इसमें तो 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी आया था, और इसमें 28 फरवरी के बाद कौन आ जाएगा? फर्स्ट मार्च आ जाएगा। कौन आ जाएगा? फर्स्ट मार्च आ जाएगा। इसका मतलब जनवरी और फरवरी, 28 फरवरी तक ही, एक जनवरी से लेके 28 फरवरी तक का कैलेंडर ही सेम हो पाएगा। कंप्लीट कैलेंडर है वो, बराबर है, एक जैसा नहीं हो सकता। तो कोई बात नहीं। 2029 में कितने विषम दिन? एक। 2030 में कितने विषम दिन? एक। 31 में? एक। 32 में? दो। ठीक है। 33 में? एक। 34 में? कितने? एक। तो कितने हो गए? तीन दो पांच और दो सात दिन कंप्लीट। कितने दिन कंप्लीट? सात दिन कंप्लीट हो गए ना। ठीक है। तो अब कौन सा वर्ष आ गया? 2000
35, वापस वही बात, ये लीप वर्ष है, ये कौन सा हो गया साधारण, तो समान नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। 2035 में कितने विषम दिन, 2036 में कितने विषम दिन, 2037 में 2038 में 2039 में 2040 में कितने हो गए, 2 विषम दिन। तो देखो 2, 2, 4, 3, 7 और 1 ये वाला दिन कितने हो गए, 8। एक दिन ऊपर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, इसका मतलब कैलेंडर रिपीट नहीं होगा, एक दिन आगे चले गए। अब एक दिन आगे चले गए तो 2041 में कितने विषम दिन, 1। 2042 में 1। 2043 में 1। 44 में 2 विषम दिन। 45 में 1। तो कितने हो गए, 3, 4, 2, 6 और 8, 14। 2 भी कंप्लीट हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। लेकिन 2046 फिर से कौन सा वर्ष आ गया, साधारण वर्ष आ गया। कौन सा वर्ष आ गया, साधारण वर्ष आ गया। ये कौन सा वर्ष था, लीप वर्ष था, इसका मतलब कैलेंडर सेम है, नहीं हो सकता। तो 2046 में कितने विषम दिन, 1। 2047 में 1। 48 में कितने, 2। 49 में भाई 1। 50 में 1 और 51 में 1। देखो देखे कितने दिन हो गए, 2, 2, 4 और 2, 48 में 2, 2, 2, 4 और 3, 7 दिन, सही है, सॉरी 7 दिन कंप्लीट हो गए। तो वीक फिनिश हो गया कि नहीं हो गया, एक सप्ताह कंप्लीट हो गया, सप्ताह कंप्लीट होता ही कौन सा वर्ष आ गया, 2052। अब बताओ ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है या साधारण है, लीप वर्ष। ये भी कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष। तो 2024 के समान कैलेंडर कब आ जाएगा, 2052 में, कितने साल बाद, 28 साल बाद, कितने साल बाद, 28 साल बाद। तो ध्यान दें, एक लीप वर्ष के समान कैलेंडर कितने साल बाद आता है, 28 साल बाद आता है, कितने साल बाद आता है, 28 साल बाद आता है। अब देखो 6/11/11/28 अपन मना चुके हैं, 6/11/11/28 भाई देखो, 2021 में के समान कैलेंडर कितने साल बाद आया, 6 साल बाद। फिर 2022 के समान कैलेंडर कितने साल बाद आया, 11 साल बाद। 23 के समान कैलेंडर भी 11 साल बाद, और 24 के समान कैलेंडर 28 साल बाद। तो अब क्या बनाओगे इससे, देखो कि 2021 का मतलब आप 4 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 1। 4 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 1। और कितने साल बाद कैलेंडर सेम आया था, 6 साल बाद। तो कह सकते हैं कि 4 का भाग देने पर, यदि किसी वर्ष में 4 का भाग देने पर यदि 1 शेषफल बचे तो कितने साल बाद कैलेंडर सेम आएगा, 6 साल बाद। यानी उस वर्ष में कितने साल जोड़ दो, 6 साल। 2022 में अगर आप 4 का भाग देंगे तो कितने शेषफल बचेंगे, 2 शेषफल, और 2 शेषफल बचे तो कितने साल बाद आया, 11 साल बाद। तो आपको यही चीजें ध्यान में रखनी है, कितने साल बाद, 11 साल बाद कैलेंडर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। 2023 की अगर बात करें तो 2023 में 4 का भाग दिया, कितना शेषफल आया, 3 शेषफल। तो जब शेषफल 3 आए तो भी कितने साल बाद कैलेंडर सेम आ जाएगा, 11 साल बाद कैलेंडर सेम आ जाएगा। और 2024 में अगर बात करें तो 2024 में अगर आप 4 का भाग देंगे तो कितना शेषफल आया, 0। 0 शेषफल का मतलब कितने साल बाद, 28 साल बाद। कितने साल बाद, 28 साल बाद। 0 शेषफल का मतलब लीप वर्ष ही तो है ना। तो आपको ध्यान में ये रखना है, मैंने बता दिया कि 6/11/11/28 आए कहां से, कैसे आए, वो चीजें मैंने आपको बता दी। आपको ध्यान में इतना सा रखना है कि अगर किसी वर्ष के समान कैलेंडर वर्ष का आपको पता करना हो, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि 2025 के समान कैलेंडर कौन से साल में आएगा, तो 2025 में किसका भाग देंगे, 4 का। किसका भाग देंगे, 4 का। कितना शेषफल, 1। 1 शेषफल का मतलब कितने साल बाद, 6 साल बाद। कितने साल बाद, 6 साल बाद। तो 2025 में कितने जोड़ दो, 6 जोड़ दो, तो 2031 में कैलेंडर क्या मिल जाएगा, सेम रिपीट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। इसी प्रकार और मान लीजिए, जैसे आपको बोल दिया जाए 2027 के समान कैलेंडर कौन से वर्ष में होगा, तो 2027 में किसका भाग देंगे, 4 का। 4 का भाग लगाओगे तो कितना शेषफल आ जाएगा, 3। 3 शेषफल का मतलब कितने साल बाद, 11 साल बाद। तो 2027 में कितने साल जोड़ दीजिए, 11 साल जोड़ दीजिए, तो 2038। कितने साल, 2038 में कैलेंडर क्या मिल जाएगा, रिपीट होगा। 2027 वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2038 में। आई बात समझ में सभी को, क्लियर है, बोलिए।
ठीक है। तो ध्यान यही रखना है कि चार का भाग देने पर एक शेष फल तो 6 साल बाद, दो शेष फल तो 11 साल बाद, तीन शेष फल तो भी 11 साल बाद, और जीरो शेष फल या लीप वर्ष है तो कितने साल बाद, 28 साल बाद कैलेंडर क्या हो जाता है, रिपीट। अब ध्यान रखें ये जो चीज है वो हमेशा लागू नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना, ये जो चीज है वो केवल 1901 से लेके 2071 तक लागू हो जाएगी, यही जो चीज है वो आपको 1701 से लेके सॉरी 1501 से लेके 1671 तक लागू हो जाएगी। समझ रहे हो ना कि जो शताब्दी परिवर्तन वो अगर लीप शताब्दी परिवर्तन हो रहा है तो ही लागू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और किसी वर्ष के समान कैलेंडर वर्ष का पता करना है तो अपन कर सकते हैं अतिरिक्त दिनों की संख्या के आधार पर, अतिरिक्त दिनों की संख्या के आधार पर। कहने का मतलब यह है ये तभी फॉलो होगा, ये रूल्स तभी फॉलो होंगे जब हर 4 साल बाद क्या मिले आपको, लीप वर्ष मिले। हर 4 साल बाद क्या मिले, लीप वर्ष मिले। तो हर 4 साल बाद अगर आप ज्ञात कर रहे हैं और हर 4 साल के दौरान लीप वर्ष मिल रहा है तो ये फॉलो हो जाएंगे। अगर कहीं बीच में 8 वर्ष वाला गैप आ गया तो वहीं ये क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, ये रूल तब फॉलो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? Yes. Okay.